हाय गाइस, मैं निशांत चारा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे 10 वेबसाइट्स के बारे में जिनसे यू कैन स्टार्ट लर्निंग अ लैंग्वेज, यू कैन स्टार्ट लर्निंग वेब डेवलपमेंट, यू कैन स्टार्ट लर्निंग एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तुम काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो एंड वो सब बिल्कुल फ्री। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना। उसके बाद सारे जो वेबसाइट के लिंक्स वगैरह होंगे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कुछ मैं चीज़ें रिसोर्सेज वगैरह जो बताऊँगा वो भी तुम्हें वहाँ मिल जाएगा, वो सब तुम देख लेना। बट एक बार पूरी सुन लो चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, कहाँ से तुम्हें वो अवेल करनी है, सब कुछ तुम्हें अब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दो एंड कमेंट करके बताओ इन 10 वेबसाइट्स में से तुम्हारी सबसे फेवरेट वेबसाइट कौन सी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम्हें इनके अलावा कोई और अच्छा रिसोर्स पता है, कोई अच्छी वेबसाइट पता है, वो तुम जाके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेबसाइट आ जाती है, उसका नाम है W3 Schools। अब इसका मैंने खुद काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। कैसे कि जब भी तुम्हें वेब से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, तुम्हें कुछ भी ट्राई करके देखना होता है, तुम W3 Schools पे जाके कर सकते हो। तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, एक काफ़ी अच्छा रिसोर्स है टू लर्न HTML, CSS, JavaScript एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। इसमें तुम्हें डेटाबेसेस वगैरह से रिलेटेड क्वेरीज भी मिल जाती हैं, तुम काफ़ी सारी चीज़ें रन करके देख सकते हो। और अब तो इन्होंने वीडियो ट्यूटोरियल्स भी डाल दिए हैं काफ़ी सारी चीज़ों के। तो एक ये काफ़ी मस्ट हैव सी वेबसाइट है जो तुम्हें पता होनी चाहिए इफ़ यू आर स्टार्टिंग वेब डेवलपमेंट और इफ़ यू आर स्टार्टिंग टू लर्न कोई भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट या इवन कोई लैंग्वेज। एज यू कैन सी, तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं तुम्हारे HTML, CSS, डेटा एनालिटिक्स, XML, वेब बिल्डिंग, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट। मतलब देख रहे हो, प्रोग्रामिंग में भी इसमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स हैं। मतलब वो फुल नहीं होगा बट बेसिक तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी। जैसे अगर हम यहाँ पे C++ खोल के देख लेते हैं तो देखो यहाँ पे तुम्हें एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, तुम यहाँ पर कोड को अपना रन वगैरह करके देख सकते हो, फिर तुम्हें क्विजेस वगैरह होंगी और इससे तुम काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। देखो साइड में तुम्हें सारा दिखा देंगे कि C++ में बेसिक क्या होता है एंड बेसिक लैंग्वेज तुम यहाँ से सीख सकते हो। अब लोग पूछ रहे थे ना, भैया आपने जो 90 डेज चैलेंज स्टार्ट तो कर दिया बट मेरे को अभी तो कोई लैंग्वेज ही नहीं आती, मैं वो कहाँ से सीखूँ। तो ये वीडियो जनरली तुम्हारे लिए है एंड उन लोगों के लिए भी है जिनको रिसोर्सेज वगैरह चाहिए थे कि मेरे को वेब अगर सीखनी है, फिर एंड्रॉइड सीखना है या फिर कुछ भी सीखना है, मैं वो कहाँ से सीखूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है तुम लोगों को एंड वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से अगर तुमने अब तक लाइक नहीं किया है। तो अब नेक्स्ट जो हमारी वेबसाइट आ जाती है वो यार फ्री कोड कैंप। इसके बारे में तुमने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, अगर तुम ईशान को फॉलो करते हो तो ईशान फ्री कोड कैंप के बारे में बहुत ज़्यादा बताता रहता है। इनका यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। उसके अलावा यार इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट पर अब जब से तुम देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन टाइप के हैं, ठीक है, और ये सारे फ्री है मोस्टली। तो इसमें तुम रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन सीख सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, जावास्क्रिप्ट में सीख सकते हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, लाइब्रेरीज के बारे में, डेटा विजुअलाइजेशन, बैक एंड डेवलपमेंट एंड APIs, क्वालिटी अश्योरेंस एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो तुम यहाँ पे सीख सकते हो। ये थोड़ी सी डिफरेंट है जो हमने W3 Schools का देखा था, वहाँ थोड़ी थ्योरी ज़्यादा थी, यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल वगैरह थोड़ा तुम्हें ज़्यादा सिखाया जाता है। वहाँ पे तुम्हें ऑलमोस्ट सारी थ्योरी मिल जाएगी, जो भी तुम्हें सीखना होता है या जो भी तुम्हें जानना होता है वो वहाँ पे तुम्हें मिल जाता है। बट दिस इज ऑल्सो अ रियली गुड रिसोर्स। अब जो नेक्स्ट वेबसाइट है उसका नाम कोर्सेरा है। तुमने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा अगर तुम पहले से सर्च कर रहे हो चीज़ें, तुम स्कूल में भी चीज़ें सीख रहे थे या फिर तुम फर्स्ट सेकेंड ईयर में एक्सप्लोर कर रहे थे। तो कोर्सेरा पे यार बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मशीन लर्निंग, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, सब तुम काफ़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर वगैरह से सीख सकते हो। इसमें द प्रॉब्लम इज कि तुम्हें डाउट रिजॉल्विंग में थोड़े से धक्के खाने पड़ते हैं, मतलब थोड़ी मुश्किल होती है डाउट वगैरह रिजॉल्व करवाने में, बट इट इज़ अ रियली गुड फ्री रिसोर्स। अब फ्री कैसे मिलते हैं, वैसे तो अगर तुम देखो इसके सर्टिफिकेशंस के लिए तुम्हें 30-30, 40-40 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे इफ़ यू वॉन्ट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी। बट इसका एक और वर्क अराउंड होता है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल एड। अब फाइनेंशियल एड में अप्लाई करने के लिए तुम्हें दो आंसर्स देने होते हैं, वो तुम्हें मैं एक बार वॉक थ्रू करके दिखा देता हूँ एंड उसके जो आंसर्स होंगे मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक देम आउट। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके तुम उनको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, जैसे तुम्हें कोई भी कोर्स है, कोई भी चीज़ सीखनी है, तुमने वो सर्च करनी है, जैसे हम यहाँ पे गूगल का डेटा एनालिटिक्स का कोर्स सीखते हैं, अब हमने ये सर्च किया तो यहाँ पे आ गया। अब इसमें एक यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका नाम है फाइनेंशियल एड। अब इस फाइनेंशियल एड वाले पे हम जब क्लिक करते हैं तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए। तो क्या होता है, फाइनेंशियल एड के लिए तुम्हें दो क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ता है। उन दोनों क्वेश्चंस का मैं तुम्हें स्टैंडर्ड आंसर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें तुम्हें थोड़ी बहुत डिटेल्स वगैरह चेंज करके तुम उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
तो उसमें एक पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर फाइनेंशियल एड, ठीक है, एंड सेकंड जो क्वेश्चन होता है हाउ विल टेकिंग दिस कोर्स हेल्प यू अचीव योर करियर गोल्स। तो इन दोनों के स्टैंडर्ड आंसर मैं तुम्हें दे दूंगा, थोड़े बहुत तुम चेंजेस कर सकते हो कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हो, उसके अलावा तुम्हें लाइक क्यों चाहिए कोर्स, वो बेसिक स्टैंडर्ड टेम्पलेट मैं तुम्हें दे दूंगा, उसको तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यहाँ पे डाल सकते हो। 15 डेज के अंदर तुम्हें एक कोर्स फ्री में मिल जाता है, उसके बाद तुम इससे मस्त पढ़ सकते हो। ठीक है, एक और काफी अमेजिंग वेबसाइट है जिसके बारे में शायद तुम लोग नहीं जानते हो, उसका नाम है कोड स्टूडियो। अब कोड स्टूडियो पे क्या सीन है यार, तुम्हें यहाँ पे ना गाइडेड पाथ्स मिल जाते हैं काफी सारी चीजों के, जैसे तुम देख सकते हो इंटरव्यू गाइड फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, डेटा स्ट्रक्चर्स इन एल्गोरिथम, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, डीबीएमएस, बेसिक्स ऑफ C++, बेसिक्स ऑफ जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, उसके बाद यार ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक, एप्टीट्यूड प्रिपरेशन, फंडामेंटल ऑफ HTML, CSS, Node.js, काफी सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे मिल जाते हैं, काफी सारे गाइडेड पाथ्स वगैरह मिल जाते हैं कि तुम्हें कब क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, और तुम यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक और काफी बढ़िया चीज क्या है, जैसे तुमने अब लैंग्वेज सीख ली, तुमने डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह सीखना स्टार्ट कर दिया, तो अगर तुम किसी कंपनी के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम उस कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो। तुम यहाँ पे देख सकते हो जैसे कंपनी टैग्स वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे, इसके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 7 कंपनीज ने इस क्वेश्चन को पहले पूछा हुआ है, तो ये काफी इजी हो जाता है। एंड बाकी यार तुम्हें इनके सॉल्यूशंस वगैरह भी यहाँ पे मिल जाते हैं तीनों लैंग्वेजेस में, तो एक काफी अच्छा रिसोर्स है टू कंसिडर इफ यू लाइक आर स्टार्टिंग टू लर्न प्रोग्रामिंग। तुम्हें HTML, CSS कुछ भी सीखना है, तुम्हें वेब डेवलपमेंट एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट, तुम्हें लैंग्वेजेस सीखनी है, कुछ भी सीखना है, तो गाइडेड पाथ्स यहाँ पे अवेलेबल है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस यार काफी पेड कोर्सेज भी आते हैं कोडिंग निंजास के, तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो, उनके 15% ऑफ का डिस्काउंट लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन चेक देम आउट, तुम्हें सब कोर्सेज पे 15% ऑफ मिल जाएगा। बढ़िया बात क्या है यार, यहाँ पे तुम्हें TA सपोर्ट मिल जाता है, तुम्हारे 3-4 घंटे के अंदर डाउट वगैरह सॉल्व हो जाते हैं। तो यार कोड अकेडमी भी एक काफी अच्छा रिसोर्स है, तुम्हारा लैंग्वेजेस वगैरह स्टार्ट करनी है सीखना, तो एक काफी सही रिसोर्स मिल जाता है। जैसे तुम्हें यहाँ पे जो प्रो वाला दिख रहा है वो पेड है, बट जहाँ पे तुम्हें प्रो नहीं लिखा हुआ दिख रहा है वो सब फ्री है, तो यहाँ पे तुम जावास्क्रिप्ट वगैरह HTML वगैरह सीख सकते हो, ठीक है, उसके अलावा तुम लैंग्वेजेस सीख सकते हो। बाकी जब तुम यहाँ पे जाके चेक करोगे ना तो इनके रिसोर्सेज हैं, अब रिसोर्सेज में तुम्हें चीट शीट्स वगैरह मिल जाते हैं, कुछ वीडियोस भी मिल जाती हैं, सो तुम देख सकते हो यहाँ पे काफी तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हेयर टू। अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, तुमने अब तक नहीं किया है तो काफी ज्यादा मोटिवेटिंग होता है तुम्हारा एक लाइक, एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जरूर कर दो, 100K ले जाएंगे जल्दी से, 67K हमारे हो चुके हैं, तो बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। अब यार खान अकेडमी का तुमने पक्का नाम सुना होगा अगर तुम अभी स्कूल में थे तो, इनमें काफ़ी अच्छे से तुम्हें चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो इनका यार कोर्सेज ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रिलेटेड भी काफ़ी सारे होते हैं, तुम देखोगे तो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्सेज भी हैं, इंट्रोडक्शन टू JS, एनिमेशन वगैरह, इंट्रोडक्शन टू CS, इंट्रोडक्शन टू HTML, CSS, ठीक है, SQL, एडवांस JS, गेम विजुअलाइजेशन, उसके बाद तुम्हें एडवांस JS और थोड़ा बहुत, तो तुम यहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारे एल्गोरिथम्स, क्रिप्टोकरेंसी एंड इन्फॉर्मेशन थ्योरी के ऊपर भी क्लासेस वगैरह हैं यहाँ पे अवेलेबल, एंड ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये वाले सारे बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है, तो तुम यहाँ से भी पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारी वेबसाइट आती है उसका नाम है EDX, ये सिमिलर टू कोर्सेरा है। अब तुम्हें यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो तुम फ्री में कर सकते हो, फ्री में ऑडिट कर सकते हो, बट तुम्हें सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो मोस्टली मैं एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ यार, सर्टिफिकेशन से इतना ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, जो फर्क पड़ता है वो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंसेस से पड़ता है, तो वही है ज्ञान जहाँ से तुम्हें मिल सकता है वहाँ से लपेट लो, जहाँ तुम्हें मन करे, जहाँ तुम्हें सही समझ आए वहाँ से तुम चीज़ें सीख सकते हो, सो दिस इज़ ऑल्सो अ रियली गुड रिसोर्स। अब यहाँ पे तुम अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वगैरह से पढ़ सकते हो, ठीक है, कोर्सेरा वाला सिमिलर मॉडल है, कोर्सेरा जैसी ही वेबसाइट है, एंड यहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, जैसे तुम्हें यार साइबर सिक्योरिटी सीखने का मन करे तो तुमने इस पर क्लिक किया एंड फिर तुम यहाँ पे जाके एनरोल वगैरह कर सकते हो, ठीक है, देखो तुम देखो यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है, एंड दिस इज ऑल्सो अ रियली गुड रिसोर्स टू लर्न। सो जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे ऑडिट करने के लिए तुम्हें फ्री ही होता है, बट अगर तुम्हें वेरीफाइड लाइक तुम्हें एक सर्टिफिकेट चाहिए तो तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं, बट सर्टिफिकेट की इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है कुछ खास, तो दिस इज ऑल्सो अ रियली गुड वेबसाइट, यू कैन चेक आउट। और यार एक और मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट वेबसाइट है जिसका नाम है LeetCode, मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में भी बताता रहता हूँ, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी हाउ यू कैन यूज़ LeetCode इफेक्टिवली। सो अब इस पर क्या सीन है यार, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। इस पर क्या होता है, तो मेरे मंथली चैलेंजेस होते रहते हैं जिसमें तुम्हें हर रोज़ एक नया क्वेश्चन मिलता है, उस नए क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे तुम्हें कुछ पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, एंड इन पॉइंट्स को तुम रिडीम करके कुछ टी शर्ट्स वगैरह अपनी मंगा सकते हो, एंड इसके साथ तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सकती है कि अगर तुम्हें रोज़ एक क्वेश्चन करना है तो तुम रोज़ एक क्वेश्चन कर रहे होते हो। सो यार 90 डेज चैलेंज में भी तुम इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करने के लिए। बाकी मैंने अपनी उस वाली वीडियो में भी बताया था कि यार जो इसमें कॉन्टेस्ट वगैरह वो तुम्हें देने स्टार्ट कर देने हैं जब तुम एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ चीज़ें सीख जाओ, तो दिस इज़ अ रियली गुड रिसोर्स। उसके अलावा जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम्स वगैरह तुम कर सकते हो यहाँ पे जाके,
ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब कोड स्टूडियो इससे थोड़ा सा बेटर क्यों है इस मामले में, उसमें थोड़ी इससे प्रॉब्लम्स कम है, बट 1200 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। एंड वहाँ पर तुम्हें कंपनी टैग्स वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे बस यही पंगा है कि यहाँ पे कंपनी टैग्स तुम्हें ऐसे नहीं दिखते, इसका जुगाड़ मैंने बताया हुआ है वैसे, बट दिस इज़ अ थिंग जो यहाँ पे नहीं है। इसमें तुम प्रीमियम लोगे तो ही तुम वो चीज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे डिस्कशंस वाले में तुम कंपनसेशन वगैरह देख सकते हो लोगों की, लोग यहाँ पे अपनी अनोनिमसली कंपनसेशन शेयर कर देते हैं। जैसे तुम्हें अगर कोई ऑफर मिला है तो मैं चेक करना है कि यार औरों को भी इतना ही मिलता है, मेरे को कम पैसे मिल रहे हैं। सो दिस इज़ अ रियली गुड प्लेस, यू कैन सर्च कंपनसेशन यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा है यार कंपनसेशन, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें सारी कंपनसेशन आ जाएंगी रिसेंटली जो जो जिसको जिसको मिली है। क्रेडिट के SG2 को बैंगलोर में सैलरी 46 लाख रुपीज बेस मिलता है, तो तुम देख रहे हो मतलब पैसा ही पैसा। अब नेक्स्ट वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब यार मैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो फ्री हैं, और मैं गीक्स फॉर गीक्स की बात ना करूँ तो ऐसा नहीं हो सकता। सर गीक्स फॉर गीक्स इज़ अ रियली गुड वेबसाइट, ठीक है। गीक्स फॉर गीक्स इंसाइक्लोपीडिया है तुम्हारे कंप्यूटर साइंस का, तुम्हें यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी मिल जाती है, तुम्हें यहाँ पे मोस्टली काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाता है। मैंने अपने कॉलेज टाइम में मतलब GFG काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, सो आई रियली लाइक GFG। यार ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कई बार, जब तुम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर डाल देते हो ना तो इन्फॉर्मेशन ढूंढना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बट इट्स अ रियली गुड वेबसाइट। तुम्हें कोई भी लैंग्वेज वगैरह सीखनी है तुम यहाँ से लैंग्वेज वगैरह सीख सकते हो, तुम्हें डेवलपमेंट सीखनी है वो भी सीख सकते हो। जैसे तुम देख सकते हो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, तुम्हें पजल्स वगैरह मिल जाते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह, ठीक है। जैसे मैंने मशीन लर्निंग पर क्लिक किया तो इसका पूरा एक वो है, रिसोर्सेज वगैरह है, बट इसमें भाई ये वीडियो लेक्चर थोड़े कम होते हैं, ठीक है। थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है, तुम पढ़ के बोर हो जाते हो कई बार, बट इसको मेंशन करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जब लास्ट वेबसाइट है उसका नाम है यार upskillcourses.com। अब यहाँ पे कोर्स लाइब्रेरी में तुम जब जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी तुम डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से सीख सकते हो, डेवलपमेंट का एक और अच्छा रिसोर्स है, ठीक है। इसमें जो कुछ प्रो वाले हैं दैट आर पेड, बट जहाँ पे भी फ्री लिखा है वो फ्री है। जैसे तुम देख सकते हो एसेंशियल वेब डेवलपमेंट कोर्सेज फ्री, HTML एंड CSS सिंटैक्स रिव्यू, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, बिल्ड अट गेम, टिक टाक टो, तो इसमें काफ़ी सारे फ्री भी हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ रियली गुड वेबसाइट जो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लिंक्डइन वगैरह पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ भी इन्फॉर्मेशन को बांटो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड 90 days GSA चैलेंज अगर तुम कर रहे हो तो जाके #90days DSA चैलेंज और अपना डे नंबर लिख सकते हो नीचे, ठीक है। अब इतना ही था आज वाली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।